देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या अम्मा, आप भी इन लोगों की साइड हो गई? केक काटते हैं ना बहू। अच्छा अशोक, तू बता, कोई ऐसी बात जो हम में से कोई ना जानता हो? लगता है आज ये अपना सच बोल ही देगा। वो मैं वो मैं यशोदा जी बोलेंगी पहले, और वैसे भी मैं अपनी पत्नी को सबसे आगे रखता हूँ, तो यशोदा जी बोलेंगी पहले। आप भी ना। जय बात भैया यशोदा, केक भी तो कटने का इंतजार कर रहा है। भाभी बोल दो ना, अब तो भैया ने भी बोल दिया है। हाँ हाँ ठीक है, बोलती हूँ। 10 साल पहले जब ब्याह कर मैं इस घर में आई पहली बार, तो मैं अशोक जी की दुल्हन थी। फिर धीरे धीरे मैं इस घर की बहू बन गई, और फिर उसके बाद इन बच्चों की मां बन गई। समय के साथ हर दिन थोड़ा थोड़ा करके जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई, और वो स्वेटर बुनते समय ऊन उलझ जाता है ना, तो मुझे लगता है कि जैसे जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है वैसे उलझने भी बढ़ने लगती है। लेकिन मैं लकी हूं कि मुझे अशोक जी जैसे पति मिले। हाँ, जो मेरी उलझनों को सुलझाकर उन्हें ऊन के गोले की तरह बस बस लपेटते चले गए। चाहे कैसी भी मुश्किल हो, बिना समय बिना परिस्थिति देखे इन्होंने हमेशा हर बात में मेरा साथ दिया, और देखिए पता ही नहीं चला 10 साल, पता ही नहीं चला कब हमने जिंदगी के 10 साल साथ बिता दिए। थैंक यू अशोक जी। मुझे लगता है दुनिया की सबसे महंगी क्रीम जो किसी पत्नी के चेहरे पे चमक ला सकती है वो है उसके पति की ईमानदारी। और मेरे चेहरे पे ये जो चमक देख रहे हैं ना आप, उसकी वजह है मेरे अशोक जी की ईमानदारी। वकील है लेकिन झूठ की सीमा कोर्ट तक ही रखी है इन्होंने, उसे कभी घर की दहलीज को पार करने नहीं दिया। पिछले 10 सालों में अशोक जी की वजह से मैं एक बेहतर इंसान बनी। वो अशोक जी हैं जिनकी वजह से मैं खुद एक ऐसी मजबूत दीवार बन गई हूं ना, कि कोई भी मुसीबत को अशोक जी तक, मेरे बच्चों तक, मेरे परिवार तक पहुंचने से पहले रोक लेती हूं।
जिसकी मजबूती की वजह है मेरा आप पर भरोसा। और मैं जानती हूं चाहे जो हालात हो ये भरोसा कभी नहीं डगमगाएगा और ये दीवार कभी नहीं हिलेगी। मेरे और अशोक जी की रिश्ते की बुनियाद ही है ये सच। मुझे नहीं लगता कि अशोक जी ने कभी कोई झूठ बोला हो मुझसे या कोई बात मुझसे छुपाई हो। लेकिन अगर कभी झूठ बोला हो तो? अगर कभी झूठ बोला हो तो ऐसा कभी नहीं कर सकते, और अगर किया होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। झूठ, फरेब, धोखा, इन बातों से मुझे सख्त नफरत है। मैं कुछ भी सह सकती हूँ, बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन झूठ, फरेब, धोखा शायद मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। लेकिन मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि अशोक जी को भगवान ने इन बातों से बहुत दूर रखा है, बहुत दूर। अशोक जी, आपकी यशोदा आपको बहुत प्यार करती है। बस भगवान से ये प्रार्थना करती है वो कि पिछले 10 सालों की तरह आने वाले सभी साल रंग भरे हो, प्यार और विश्वास की सफेद चादर हो, ना विश्वासघात का धब्बा हो ना झूठ की स्याही हो, बस सब कुछ सफेद रहे। वाह भाभी, क्या बात है भैया। अब आपकी बारी, शुरू हो जाइए। भाई बोलो। हाँ? देखो, यशोदा रानी ने अपने दिल की सारी सच्चाई बता दी, अपना सारा प्यार बिल्कुल ऐसे उड़ेल के रख दिया सब है। अब तुम भी अपने दिल की सारी सच्चाई बता दो। अभी अभी यशोदा जी ने मेरी जितनी भी तारीफ की है आप उनको सीरियसली मत लीजिएगा। ये खुद बहुत अच्छी हैं, तो इन्हें सब अच्छा दिखता है। मैं माफी से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं और माफी मैं अपनी पत्नी यशोदा जी से मांगना चाहता हूं। आप मुझे जितना अच्छा पति समझती हैं, जितना विश्वास करती हैं, मैं उतना अच्छा और विश्वासपात्र पति हूं नहीं। लगता है हमारा उकसाना काम आ गया। अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज ये अपना सच बताकर खुद ही यहाँ तमाशा कर लेगा। आज मैं जो सच आप सबको बताने वाला हूँ उसके बाद यहां तूफान आ जाएगा। ठीक
फिर भी मैं आप सबके सामने उस सच को बताऊंगा। बताओ भाई, हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं, है ना? बताओ। बोलिए ना। दरअसल, अरे सॉरी यशोदा, मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी अशोक जी। ठंड का मौसम है इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट में एक शॉल लाई हूँ। अरे तुम भी ना, क्या जरूरत थी। बहुत सुंदर है। थैंक यू। पिछले 10 सालों की तरह आने वाले सभी साल रंग भरे हो, प्यार और विश्वास की सफेद चादर हो, ना विश्वासघात का धब्बा हो, ना झूठ की स्याही हो, बस सब कुछ सफेद रहे। I love you। भैया आप कुछ बता रहे थे ना, बताइए। नहीं, मैं यशोदा जी की इस विश्वास की चादर को मैला नहीं कर सकता। मैं नहीं बता सकता वो सच, नहीं बता सकता। अशोक जी। हाँ, हुआ ये था कि यशोदा जी के साथ जब मेरी शादी हुई तो मैंने इन्हें वादा किया था कि हर संडे को मैं इन्हें चाय बनाकर पिलाऊंगा, उनके साथ मैं सब्जियां लेने जाऊंगा और हर साल इन्हें 2 बार घुमाने जरूर ले जाऊंगा। ना तो मैंने चाय बनाई, ना मैं सब्जी लेने गया। पिछले 2 साल में मैं इन्हें कहीं घुमाने भी नहीं ले गया। अशोक फिर से हिम्मत हार गया, नहीं कह पाया सच। ये आदमी इतना कमजोर क्यों है, सामना क्यों नहीं कर पाता? आ गए ना तुम अपनी असली औकात पर। सब्जी चाय के पीछे अपनी सच्चाई छुपा ली। डरपोक कहीं का, सच का सामना करना इसके बस की बात नहीं है। पिछले 10 साल में न जाने ऐसे कई वादे होंगे जिन्हें मैंने पूरे नहीं किए। कई वादे। कोई बात नहीं अशोक जी, माफ कर देती हूँ आपको इस बात के लिए। और वैसे भी अशोक जी, अगर रिश्तों में लंबा सफर तय करना हो तो ऐसे छोटे छोटे वादे अधूरे रहना जरूरी है ना? एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं आपसे। आप मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं, कहीं ज्यादा ईमानदार हैं, कहीं ज्यादा जिम्मेदार हैं। अगर जाने अनजाने में मैंने कभी आपका दिल दुखा दिया तो मुझे एक गैर जिम्मेदार मानकर भूल जाइएगा, लेकिन अपने चेहरे की मुस्कान को कभी जाने मत दीजिएगा। आपको पता है, जीवन में मैं कभी किसी बात से नहीं डरा, लेकिन डरता हूं कि कहीं कहीं मेरी वजह से आपके चेहरे की मुस्कान ना चली जाए। इसलिए बस आप हमेशा मुस्कुराती रहिएगा। हमेशा। हमको लग रहा है माहौल कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। भैया चले केक काटते हैं। डरपोक बुजदिल कायर, सच सामने आएगा ना तो आत्महत्या ही कर लेगा तुम जैसा इंसान।
चलिए चलिए केक काटते हैं, सब लोग पास में आ जाइए। दीदी दीदी आइए, सब लोग आइए। हाँ भैया भाभी चलिए केक काटते हैं। सबको सरप्राइज गिफ्ट देंगे और सबको पता चल जाएगा मेरी माँ कौन है। भाई शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। सब लोग तुम्हें केक खिलाएंगे लेकिन हम तुम्हारे गाल पे लगाएंगे। वैसे ना बहुत डरपोक टाइप के आदमी तुम निकले, तुम्हारे मुंह से सच्चाई निकली ही नहीं। एक बात बताएं, हमको ना तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। आज तो तुम्हारे मुंह पे केक लगाया है, देखना लेकिन बहुत जल्दी ठीक लगेगी। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, मम्मी पापा हम दोनों ने आप दोनों के एक और सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया है। और वो सरप्राइज गिफ्ट ये है कि हम दोनों वो गाना गाएंगे जो मम्मी की डायरी में पापा ने लिखा था, वो गाना जो मैंने अपने स्कूल के सिंगिंग कॉम्पिटिशन में भी गाया था और उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला था। खुशी खुश खुशी खुश खुशी खुश खुशी खुश चले जीवन की गाड़ी, खुशी खुश खुशी खुश बीते दिन कैसे भी चाहे रात को चंद ये गाना मैं हमारे पापा ने सिखाया। आस्था नुपुर, वेरी गुड। अरविंद सब मेहमानों को
डिनर के लिए देखो क्या व्यवस्था है। सर जी ये गाना कैसे सिखा सकते हैं? ये गाना मेरी माँ ने लिखा है और मैं इसे बचपन से गाता आ रहा हूँ अपनी माँ के साथ। गजब, इसे कहते हैं अंधे के हाथ पटेल। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो कृष्णा? ये गाना हमें हमारे पापा ने ही सिखाया। हाँ कृष्णा भैया, ये गाना हमें हमारे पापा ने ही सिखाया। मैं तो तब छोटा ही था, तब से माँ ये गाना गा रही है। ये गाना उन्हीं का है। और प्लीज आप लोग इस गाने को लेकर झूठ मत बोलिए, ये मेरी माँ का गाना है। कृष्णा भैया, ये गाना आपकी माँ का कैसे हो सकता है? ये गाना पापा ने ही बताया था कि ये गाना उनके एक फ्रेंड ने लिखा है ना पापा, आपने ही गा था ना? नुपुर और आस्था सच बोल रही है, क्योंकि मुझे भी यही बताया था अशोक जी ने, और कृष्णा को भी मैं जानती हूँ, वो झूठ नहीं बोलता है। भाई बच्चे पूछ रहे हैं, बताओ हाँ गाना किसने लिखा है? हमको लग रहा है कि हो सकता है तुम्हारे पापा का जो दोस्त था ना, वो कृष्णा की माँ थी, है ना भाई?